चुनावी लड़ाई सिर्फ कुढ़नी में ही नहीं है बल्कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में भी है। 19 नवंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। हालांकि इससे पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होगा, लेकिन इससे पहले चुनावी मैदान में उतरे कैंडिडेट जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहिए कि चुनावी रंग में रंग चुका है पटना यूनिवर्सिटी। चुनावी रंग में रंगी पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर हो रहा चुनाव प्रचार। 3 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव, 3 साल बाद चुनावी रंग में डूबा है पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस। पोस्टर, पैम्फलेट, नारों की गूंज, यही तो सुनाई दे रहा है। और इस मुकाबले में उतरे छात्र संघ चुनाव के कैंडिडेट जीत का दावा कर रहे हैं। मैं छात्र को बस इतना ही कहूंगा कि वो छात्र जो भी हमको चुन रहे हैं वो मेरे संघर्ष के दम पे चुन रहे हैं। हमारा आप जाके रिव्यू देख लीजिए। जब मैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मैदान में उतरा तो सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है कि नहीं, दीपांकर आ गया है, मेरा संघर्ष बोल रहा है। लोग ऑडी फॉर्चूनर बुलवा रहे हैं, लोग विधायक को ला रहे हैं। सोचिए, एक अकेला कैंडिडेट भारी है उन सब पे, मेरा संघर्ष बोल रहा है। पूरा माहौल है हमारा ही, क्योंकि हमने संघर्ष किया है शुरू से। जिस दिन से मैंने नामांकन कराया उसी दिन से मेरा संघर्ष जारी रहा। पिछली बार हुए चुनाव में जन अधिकार पार्टी की छात्र इकाई ने बाजी मारी थी। इस बार मुकाबला छात्र जाप, छात्र आरजेडी, एबीवीपी और लेफ्ट के बीच है। छात्र जाप से अध्यक्ष पद के लिए दीपांकर प्रकाश मैदान में है तो छात्र आरजेडी से साकेत कुमार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। तो वहीं संघ की छात्र इकाई एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए प्रगति राज है। छात्र जेडीयू से अध्यक्ष पद के लिए आनंद मोहन और मानसी कुमारी निर्दलीय ताल ठोक रही है। हालांकि मुकाबले को दिलचस्प बनाया है एआईएमआईएम की छात्र इकाई की कैंडिडेट सबा कुदूस, जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है। हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी पूरी टीम है जो 24/7 हम लोगों के लिए मेहनत कर रही है, तो हमारी टीम हमारे साथ वर्क कर रही है जी। हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम इसीलिए। देखिए, क्योंकि छात्रों से पूरे तरीके से समर्थन दिख रहा है हमें, क्योंकि हमारी छात्रों की कोई जात नहीं होती है, छात्रों का पूरी तरीके से समर्थन दिखाया जा रहा है। और उम्मीद है, इस बार बहुत उम्मीद है कि लोग सब लोग हमें विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार आप निकलोगे, तो उम्मीद है उन लोगों को। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पहले 17 तारीख को प्रेसिडेंशियल डिबेट भी है। इसके जरिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अपनी बात रखेंगे। 19 की देर रात तक पता चल जाएगा कि चुनाव में किसके सिर पर सेहरा बनने जा रहा है। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।